माइनो एपिसोड दे। इन द प्रीवियस एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक, अभी मैं इस मेरे प्यारे से वन ब्लॉक सर्वाइवल वर्ल्ड को ऐसा टेराफॉर्म करने जा रहा हूँ कि जब भी टेराफॉर्म खत्म होगा ना, दिस विल बी द बेस्ट वन ब्लॉक वर्ल्ड इन इंडिया। ओकायरी नसाइमिन्ना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है एमा कैच, आपका होस्ट और दोस्त इस प्यारे से सबसे खूबसूरत माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक के एपिसोड में। अगर मेरा प्यारा प्यारा दोस्त अलर्ट गेमर ये वीडियो देख रहा है तो ये तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। एस्केप दबा, ऑप्शंस में जा और FOV अपना 70 या तो फिर 75 रख, नूबड़े। हाँ, तो एवरीवन, मैं क्या कह रहा था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक की सीरीज में, जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक ब्लॉक था और उस एक ब्लॉक को माइन कर करके हमने इतना खूबसूरत वर्ल्ड बनाया है। आज मुझे बहुत ही काम करना है, तो आज नो बातें शाते, बहुत ही कम बातें शाते करेंगे। कितना काम करना है आज मुझे, लिटरली मुझे पूरा का पूरा वन ब्लॉक का फेज 10 तक लाना है एटलीस्ट। उसके बाद एक विलेज ब्रीडर बनाना है और एनचेंटिंग सेटअप को तो भूल ही नहीं सकते, एनचेंटिंग सेटअप भी बनाना है। तो कुल मिला के बहुत सारा काम है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूं मैं, आप लोगों को मजा बहुत आएगा आज के एपिसोड में। यस, भरपूर मजा आने वाला है आज के एपिसोड में आप लोगों को। तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा का पूरा देखो। बाय द वे, कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि 220 लाइक कर देना, एंड गेस व्हाट, आप लोगों ने सिर्फ 2 घंटे में 220 लाइक कर दी। यू गाइज आर अमेजिंग, कितने प्यारे हो तुम लोग, 220 लाइक सिर्फ 2 घंटे में, लव यू। यू गाइज आर रियली अमेजिंग, जस्ट लाइक माई दिस वर्ल्ड, मेरे इस अमेजिंग वर्ल्ड जैसे अमेजिंग हो तुम लोग। अभी आज के वीडियो में हमारी गेम थोड़ी अप करते हैं हम, लेट्स सी कि आज के एपिसोड में हम 250 लाइक्स कर पाते हैं कि नहीं, और टाइम है आप लोगों के पास 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर 250 लाइक्स, कैन यू डू इट। एनीवेज, आई सेड समथिंग अबाउट मेकिंग ट्रेडिंग हॉल, डिडंट आई, तो आई एम गोना मेक ट्रेडिंग हॉल राइट हियर, यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं ट्रेडिंग हॉल। मेरे क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर मैंने डिजाइन सब कुछ रेडी कर दिया है और मुझे पता भी है कि मुझे कैसे डिजाइन चाहिए। सो दिस शुड बी पीस ऑफ केक, लेट मी गैदर सम मटेरियल्स फर्स्ट, थोड़े से मटेरियल पहले ही इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। हेलो, प्रिपरेशन हो गई है सारी की सारी, अभी सिर्फ एक ही चीज की कमी है, बटन दबाने की। किस किस को याद है बटन दबाने से क्या होता है, हम बटन दबाएंगे हमें पता चलेगा कि टाइम लैप्स स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली मतलब टाइम लैप्स में ही करने वाला हूँ बिल्ड, आई हैव द बिल्ड, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव दैट, टाइम वेस्ट नहीं करना, नो। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये चीज बताने के लिए मैं ये स्पेशल बटन वाले कांड कर रहा हूँ, बहुत ही इरिटेटिंग और क्रिंजी फील होता है मेरे को फिर भी, ठीक है। तो मैं ये टाइम लैप्स शुरू करने के लिए इनमें से कोई भी एक बटन दबाऊंगा, तुम लोगों को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना है। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब करा हुआ ही है तो सिर्फ चेक ही करना है कि आर यू सब्सक्राइब्ड और नॉट, क्योंकि कल मेरे अकाउंट से है ना, मैंने जितने लोगों को भी सब्सक्राइब करा था सब लोगों को अनसब्सक्राइब हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, इट इज द थिंग दैट यूट्यूब डज विद एवरीवन। सो लेट्स ट्राई, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, ये आखिरी उम्मीद है हमारी, हो जा। व्हाट, इससे भी नहीं हुआ, यहाँ पे 4 और बटन है, नहीं हो रहा, टाइम लैप्स स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या करूँ अभी। तुम लोग ट्राई करो ना जरा सब्सक्राइब बटन दबा के, शायद सब्सक्राइब के बटन से और लाइक बटन से काम हो जाए। हमें यहाँ पे बिल्ड बनानी है ना, तो यहाँ पे बटन लगाना पड़ेगा, बटन से मेरा मतलब लीवर, लेट्स ट्राई, मैं ये ट्राई करता हूँ, तब तक सब्सक्राइब। लीवर दबाने से मैं मर गया, अभी तो सिर्फ एक ही जरिया है, सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब के बटन के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
डायरी नसाई मिन्ना। नाउ एज यू कैन सी, मेरे पीछे मैंने छोटा सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए छोटा सा सेल बना दिया है, जहाँ पे हम टोटल 9 विलेजर्स को रख सकते हैं। 9 विलेजेस इन टोटल, हर एक जगह पे हर एक विलेजर जाएगा। अगर आप लोगों को ये डिजाइन के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैंने जिसके वीडियो से ये डिजाइन बनाई है उसके वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और जाके ड्रेकस का चैनल भी चेक कर लेना, क्या पता उसने शायद इसकी वीडियो रखी हो, क्या पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें पता है, चेक कर लेना। एनीवेज ये हमारा बन गया, अभी सिर्फ एक ही चीज रहती है, यहाँ पे विलेजर्स को लाना है हमें। सिंपली विलेजर्स को यहाँ पे ला देंगे और यहाँ पे मैं उनके लिए एक वर्क स्टेशन रख दूंगा, तो दे शुड बी कमिंग हियर। और हाँ, रही बात विलेजर्स को ज़ॉम्बीफाई करके उनकी ट्रेड सस्ती करने की, तो आई गेस मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा मेरा, प्लस मेरे पास बहुत सारा बाम्बू है, तो आई डोंट फील लाइक कि मुझे जरूरत पड़ेगी। आई विल हैव सो मेनी डायमंड्स, यू नो, आई बी रिच। एंड एज दे ऑल से, व्हेन यू हैव इनफ मनी टू बाय लिटरली एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट बार्गेन। कौन कहता है भाई, ऐसा ये मैंने ही बना दिया है खुद से। लेकिन व्हाटएवर, अब यहाँ पे विलेजेस को कैसे लाना है उसका जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। मे बी मेरे पास एक आइडिया है छोटा सा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ से ट्रेल ट्रैक होता हो जाएगा, जाएगा 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 और सीधा इसके अंदर, इजी। और विलेजर फिर अपने को ढूंढ के सीधे नीचे, और फिर पूरी कायनात के लिए वो वहाँ पे फंस जाएंगे। दैट्स माय मास्टर प्लान। प्रॉब्लम आ गई एक। मैंने सोचा था ये बनाते बनाते मैं विलेजर्स को ब्रीड करवा दूंगा, क्योंकि अगर विलेजर्स को ब्रीड करवा देता हूँ तो जब तक ये बनता है तब तक मेरे पास एटलीस्ट 5 से 6 विलेजर होंगे जो कि सीधे आराम से अंदर चले जाएंगे, और वो 5-6 अंदर जाएंगे तब तक के बाकी के और भी आ जाएंगे। लेकिन आई टोटली फॉरगॉट टू ब्रीड देम, मैं उन्हें ब्रीड करवाना भूल गया। कोई नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। खाओ बच्चों, खाओ, पेट भर के खाओ। यस, सही बात है, बच्चे दो मेरे को। आई नीड किड्स, गिव मी किड्स। खाओ खाओ और खाओ और खाओ, ज्यादा खाते ही जाओ, बस यही एक काम धंधा करना है तुम्हें आज के दिन, यही करना है, बस खाओ खाओ और खाओ, खाते ही रहो। इन विलेजर्स में मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है यार, खाते खाते खाना नीचे गिरा दिया। दिल तो है, दिल दिल का इंतजार, क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज है। प्लीज कोई मत पूछना कि मैं माइनक्राफ्ट खेलते खेलते ऐसे नाटक क्यों करता रहता हूँ, प्लीज 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 प्लीज। बाय द वे, एक्चुअली आई एम अ गुड सिंगर। हाँ, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या चीज है। सी, 3 विलेजर आ गए अपनी जगह पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 बाकी अभी है ना। ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मैं कैसे कर। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर विलेजर्स, फिर ऊपर से बच्चे नीचे गिरते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे मानते हैं आसमान से जैसे बच्चे गिरते हैं ना। फिर यहाँ पे मैं एक बटन दबाता हूँ, उस बटन से इस डिस्पेंसर के अंदर जो माइनकार्ट्स मैंने रखी है वो माइनकार्ट बाहर निकलती है। ये रेडस्टोन की पटरी पावर होती है, अंदर जो भी बच्चा गिरा हुआ होता है वो बैठ जाता है, बुर्र करते घूमते 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 यहाँ पे आता है। एक बार वो यहाँ पे आ जाता है, मैं उसकी बाबा गाड़ी तोड़ देता हूँ और वो बाबा गाड़ी में से उतर जाता है। बाबा गाड़ी में से उतरने के बाद वो चलते चलते यहाँ पे मैंने जहाँ पे उसका वर्क स्टेशन रखा होता है वो वर्क स्टेशन ढूंढने के लिए आता है। और वर्क स्टेशन ढूंढते ढूंढते जैसे ये ओपन फेंस के अंदर से नीचे जंप मारता है, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर के सामने ट्रिंग्स लगाई है मैंने, इफ यू कैन सी, आंखें अच्छी है ना, देखिए अभी देखिए मस्ट रिंग। ऊपर पिस्टन जो होता है वो इस रेडस्टोन ब्लॉक को पीछे खींच लेता है, रेडस्टोन ब्लॉक जैसे ही पीछे खींचता है हमारा ट्रैप डोर बंद हो जाता है, दूसरा कोई भी बच्चा फिर से उसी स्पॉट में गिर नहीं सकता। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए जिसका मैंने फॉर्म बनाया उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी ये लंबी बाबा गाड़ी की प्रोसेस मैं खत्म करता हूँ, और उसके बाद जब भी डेकोरेशन करनी होगी मुझे आप लोगों को वापस मिलूंगा विथ अनदर टाइम लैप्स, एक और टाइम लैप्स के साथ मैं वापस मिलूंगा आप लोगों। मैं उड़ रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग। नहीं, जस्ट किडिंग, अगर मैं क्राउच छोड़ता हूं तो सीधा नीचे जाऊंगा। वेलकम बैक। नाउ वी हैव ऑल द विलेजर्स रेडी टू ट्रेड, मैंने कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है, एंड सभी लोग मुझे स्टिक्स के लिए एमराल्ड्स दे रहे हैं, सो विच इज एक्चुअली गुड। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टैक एमराल्ड्स हो गए हैं। हमारा जो वहां पे ठीक ऊपर दिख रहा है, कैन यू सी दैट, दिख रहा है
नहीं दिख रहा, तुम्हारे पास एमा कैच की आंखें नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। वहां पे ठीक सामने जो हमने वो बैम्बू फार्म बनाया ना, वो बैम्बू फार्म बहुत ही अच्छे से काम आ रहा है। उसमें से बहुत सारा बैम्बू निकल रहा है और उस बहुत सारे बैम्बू को मैं स्टिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उन स्टिक्स को मैं इन विलेजेस के साथ ट्रेड कर करके प्यारे प्यारे एमराल्ड्स ले रहा हूँ। अभी सेम ऐसी चीज इस तरफ भी आएगी ऑन द सेम यहाँ पे भी, सिर्फ फर्क उतना होगा कि उसके सामने ऐसा घटिया सा कोबल जनरेटर नहीं होगा, लेकिन कोबल जनरेटर की जगह पे दो लेन होगी ऐसी ट्रेड्स की। एक में होंगे आर्मरर एंड टूलस्मिथ और दूसरे में होंगे लाइब्रेरियंस। ये तो अभी आप लोगों को वो चीजें करके मिलती, और अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए मैं हो सकेगा उतना कम टाइम लैप्स रखूंगा। सो अभी टाइम लैप्स नहीं रखते, जब भी मैं इस जगह की डेकोरेशन कर रहा हूँ ना तभी टाइम लैप्स करेंगे छोटा सा, ठीक है? आप लोगों को मिलता हूँ बस एक सेकंड में। मैं यू गया और यू आया। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता, सो 6-7 गाने और 15 मिनट बाद। बाय द वे तुम लोग एक चीज जानते हो, अभी यहाँ पे ये चीजें बन गई ना, नाउ सिंस ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं ये मटेरियल्स ऊपर से निकाल सकता हूँ और उन्हें एक और अच्छी जगह जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे रीयूज कर सकता हूँ। इजंट दैट अमेजिंग? 50 करोड़ साल बाद फाइनली जब मेरे विलेजर्स की ट्रेड फिक्स हो गई। मिनाओ कांगेई शिमासु, वेलकम बैक एवरीवन। That's what I was trying to say. Last time हम मिले थे तब से तकरीबन 3 घंटे गुजर गए हैं और टोटली इस वीडियो के ऊपर 6 घंटे स्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं कैसे स्टिल अभी भी हम 13.5 मिनट पे ही है। हाउ कोई बताएगा मुझे कैसे? तो अभी हम 13.5 मिनट पे इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी 6 घंटे की मेहनत के लिए। ये फटाफट से आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी है। सबसे पहले यहाँ पे एक खड्डा था, सेम खड्डा इस तरफ भी आ गया, ये दो दो रास्ते नीचे आने के लिए। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मैंने अच्छा कर दिया। ये सारे के सारे फ्लैचेस तो आ ही गए थे, तुम लोग जानते हो, पीछे से सारे के सारे रिसोर्सेस चले गए सिवाय ऑब्जर्वर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनको मैं गलती से धक्का मार के नीचे गिरा दूं। उसके अलावा हमारे सुपर प्रोडक्टिव कुक्ड चिकन फार्म के अंदर 8 चिकन है, कुक चिकन, पिछले 6 घंटे में 8 कुक चिकन, 1 घंटे का 1 चिकन मिल रहा है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी लाइब्रेरियंस की लिस्ट है, बहुत लंबी, जो कि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन 3 जिसका कोई काम नहीं है वन ब्लॉक में, इन्फिनिटी जो कि ड्रैगन को मारने के लिए मिलेगा, फायर एस्पेक्ट स्वॉर्ड के लिए वो के लिए यूजलेस, वो के लिए आर्मर के लिए स्वॉर्ड के लिए। तो मैंने सिर्फ अटैक और डिफेंस जो कि मुझे कल की ड्रैगन फाइट में ज़रूरत पड़ेगी वही चीज़ मैंने ली। यप, यू हर्ड मी करेक्ट, कल की। आज के भी इस वीडियो में तो टाइम नहीं रहेगा आई गेस ड्रैगन से फाइट करने का, लेकिन आज के इस वीडियो में प्रिपरेशन मैं कर दूंगा पूरी पूरी, और ऊपर अभी डेकोरेशन करनी बाकी है। डोंट गो एनीवेयर, अभी ऊपर हमें बहुत सारे डेकोरेशन करनी बाकी है। ये हमारा वो वाहियत सा इंसान जो कि हमें टूल्स दे रहा है, और ये इंसान जो कि मुझे आर्मर देगा। ये उई, एक चीज तो बताना मैं भूल गया, हमारे जो लाइब्रेरियंस है उन लोगों ने मुझे प्यारी प्यारी चीजें दी ना, उन प्यारी प्यारी चीजों को क्या कहते हैं, बुक्स, उन्हें बुक्स कहते हैं। तो बुक्स की मदद से यहाँ पे आ गया है हमारे पास एंचेंटिंग सेटअप, हम यहाँ पे एंचेंटमेंट करेंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा भी मैंने चेंज कर दिया है, ये चेस्ट यहाँ पे हवा में बीच लटकती हुई अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, सो हियर इज आवर अनदर चेस्ट जो कि पीछे थोड़ा सा यू नो ऐसे कोल कोल घूमते यहाँ पे आता है इजी। इतना टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा, तो फटाफट से मैं नीचे जाके ये एमराल्ड्स मेरे स्पेंड करता हूँ और ऊपर आके हम मटेरियल्स लाएंगे और फटक से एक टाइम लैप शुरू कर देंगे इस चीज को डेकोरेट करने के लिए। आई नीड दिस थिंग अमेजिंग, मेरे को ये दे रहे बाबा, ये दे रहे बाबा, हेलमेट दे दे, चेस्ट प्लेट दे दे। मेरे पास आया ना, फिर भी मैं इन लोगों से खरीद क्यों रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसकी ट्रेड्स अनलॉक कराने। सो इजी चेन मिल शूज, इजी चेन मिल चेस्ट प्लेट, नॉट इजी, एमराल्ड्स खत्म। यू नो व्हाट, मैं पिछले आधे घंटे से बकवक कर रहा हूँ लेकिन अभी मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज रखी थी। इजी, मतलब जस्ट सी मैन, मैंने पूरा का पूरा आर्मर, मेरा मतलब वो आर्मरर को मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया और मैंने अभी नोटिस करा रिकॉर्डिंग पॉज थी। जी, हैशटैग F in the chat।
एफ इन द चैट बॉयज, एफ इन द चैट। लिटरली पिछली 10 मिनट से मैं फिर से बात कर रहा था और फिर से रिकॉर्डिंग पॉज थी। तो मैं जो कह रहा था कि मैंने 30 मिनट्स में जो बातें करी है उसमें सिर्फ तुम लोगों ने मेन चीज क्या मिस करी है पता है, कि ये जो मेरा आर्मर है ना वो मुझे फेदर फॉलिंग 1 के शूज दे रहा है। नाउ मेरे पास प्रोटेक्शन है सो आई डोंट हैव टू वरी, लेकिन फेदर फॉलिंग 1 इज समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि मुझे एक लाइब्रेरियन चाहिए होगा जो कि मुझे फेदर फॉलिंग के शूज दे, क्योंकि करंटली कोई भी लाइब्रेरियन मुझे नहीं दे रहा है फेदर फॉलिंग के शूज। और ड्रैगन से फाइट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेदर फॉलिंग के शूज, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आज के एपिसोड में हमने जितनी भी चीजें करी ना सारे के सारे ड्रैगन से फाइट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक अच्छा सा आर्मर तो चाहिए यार ऑब्वियसली, क्योंकि ड्रैगन हवा में 50 फुट ऊपर फेंकता है और 50 फुट से नीचे गिरेगा इंसान फेदर फॉलिंग के शूज के बिना वो मर नहीं जाएगा। उई, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी, यहाँ पे अंधेरा है। उई, कल के एपिसोड में हम मैप देखना भूल गए थे। माय ओ माय, मैप मस्त लग रहा है, सिर्फ पानी थोड़ा सर्कुलर नहीं है विच इज फाइन, टोटली फाइन है। क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस तरफ जब जहाँ की हमारा ये है, ये मैप में देख रहा है क्या है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये तरफ ये थोड़ा सा मीडियम साइज का है, ये साइड सबसे छोटी है, और उसके बाद ये साइड वो भी थोड़ी सी मीडियम साइज की है। तो मतलब पूरा का पूरा आइलैंड वो बहुत ही वियर्ड साइज का है, उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, बट इट्स फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक चीज लेने आया था, क्या खाक चीज लेने आया था, मैं यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड बनाने आया था। मेरे घर के अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, व्हाट आर यू डूड। नाउ हम ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं यहाँ पे, डेकोरेशन, वी नीड डेकोरेशन, एंड चलो टाइम लैप्स शुरू करो शुरू करो शुरू करो इस चीज को डेकोरेट करने का, इस चीज को डेकोरेट करने का टाइम लैप्स शुरू करो, इन विलेजेस की ट्रेड्स और मेरा ये जो आर्मर है ये तो मैं ठीक कर दूंगा, आई डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं ठीक कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स, करो ना यार टाइम लैप्स स्टार्ट, सब्सक्राइब करो तभी तो होगा टाइम लैप्स स्टार्ट, और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी करा हुआ है तो सिर्फ चेक करो, यस लाइक करो, लाइक 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 लाइक।
ओए वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। पता नहीं टाइमलैप्स में मज़ा आया कि नहीं, ये बहुत ही छोटी और टाइट स्पेस में टाइमलैप्स उतारा है, मुझे पता है कैसे उतारा है। कैन यू शट अप प्लीज, शट अप। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आई होप यू एंजॉय द टाइमलैप्स। अभी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसा टाइमलैप्स है। कैसा टाइमलैप्स है क्या? तो एज यू कैन सी, अच्छी बिल्ड है, आई लव दिस बिल्ड, पर्सनली मेरी फेवरेट बिल्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा ब्लैक टेराकोटा ख़त्म हो गया तो आई हैड टू यूज़ ब्राउन टेराकोटा, ब्राउन टेराकोटा ख़त्म हो गया तो मेरे को लॉग यूज़ करना पड़ा। इट वॉज़ मैसी, इट वॉज़ रियली मैसी, बट यू नो वट, आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्लेस, मुझे ये जगह से बहुत ही खुशी हो रही है। एंड सेम थिंग मैं उस जगह पर भी करने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि सेम चीज़ एक ही टाइमलेस में दिखाना, मतलब दैट वुडेंट बी गुड, यू नो, सेम चीज़ ही करता हूँगा मैं तो। तो यहाँ पे सेम यहाँ जैसा रूम मैं ऑफ कैमरा बना दूंगा, सो डोंट वेरी अबाउट दैट। कल के एपिसोड में तुम लोग आओगे तब तक वो खत्म हो जाएगा। और रही बात कल के एपिसोड की, तो आई एम सुपर रेडी टू फाइट एंड ड्रैगन, बिकॉज यू सी आई एम फुल डायमंड, आई एम फुल डायमंड, मैं पूरा का पूरा डायमंड गियर में हूँ इस महाशय की कृपा से। सो आई एम फुल रेडी टू किल एंडर ड्रैगन। अभी अगले एपिसोड में तुम लोग आओगे तभी हम ये ऊपर वाला वन ब्लॉक जो बचा है उस ब्लॉक को माइन करके फेज 10 खत्म करेंगे, एंडर पल्स इकट्ठा करेंगे और जाएंगे एंडर ड्रैगन को एंड में से भगाने के लिए। सो मेक श्योर कि तुम लोग अगला एपिसोड मिस ना करो, और ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, तुम लोगों को पता ही है, और इस बिल्ड के लिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता ही है। इजंट इट अ ब्यूटीफुल बिल्ड, मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड के अंदर एक ब्यूटीफुल बिल्ड, Isn't it amazing? So, मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, 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 बाय।